नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण, सांसद प्रहलाद पटेल, मंत्री चंद मलैया ने दिव्यांगों को वितरित किए मोटर ट्राई साइकिलें। और अब समाचार विस्तार से। समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना और उसको लाभ दिलाना, यही स्वप्न था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिसको साकार करने में भारत सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देकर कार्य कर रही है, जिसके चार वर्ष आज पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद प्रहलाद सिंह पटेल एवं वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने 80% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मोटर ट्राई साइकिलों का वितरण किया। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर प्रेमलता नीलम ने माँ वीणापाणी की आराधना और एक गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। योग्यता से आगे बढ़ो, पाओ पग पग पर सम्मान। योग्यता से आगे बढ़ो, पाओ पग पग पर सम्मान। दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान से बने कवि लेखक संगीतकार। और दिव्य दृष्टि से देखते रंग बिरंगा यह संसार। दिव्य दृष्टि से देखते रंग बिरंगा यह संसार। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल तथा वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने दिव्यांगों का पुष्पहारों से सम्मान किया। अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने कहा, बहुत सुखद लग रहा है, सुकून दे रहा है। प्रहलाद जी ने प्रयास करके 69 बहनों और भाइयों को ये जो मोटरेट ट्राइस्किल दी है, इसकी एक एक की कीमत 37,000 रुपए है। और उन्होंने ये भी कहा है कि और भी देना है सबको, सबकी सूची बनाओ सबके लिए करने के लिए। उसमें उन्होंने 10,00,000 रुपए की राशि दी है, 35,00,000 रुपए की राशि भारत सरकार ने दी है और 10,00,000 रुपए की राशि के हमारे यहाँ के सामाजिक विभाग ने दी है और इससे मिली है। अभी जब हम लोग आप लोगों के बीच जा रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, मीणा साहब सबसे पहले तो ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबके लिए पेंशन मिलना अति आवश्यक है, विकलांग पेंशन। और मैं यहाँ इस बात की घोषणा करता हूँ, हालांकि इसमें अभी एक माह का समय लगेगा, कि अब दिव्यांगों के लिए भी अपना ये BPL का होना जरूरी नहीं, जैसे हमने इसमें ख़त्म किया है विधवाओं में, इसी तरीके से विकलांगों के लिए भी नहीं रहेगा। एक और बात करना थी, जो लोग नौकरियां अब हमने अपना इसका प्रतिशत बढ़ा दिया है, जो विकलांग हमारे बहन भाई नौकरी करना चाहते वो अप्लाई करें, और तो मेहरबानी करके वो देखें, एक कागज हेमंत रजक को दे दें, अगर मैं नहीं मिलता हूँ मुझे दे दें, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी नौकरियां लगें। और ऐसे लोग जो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए अगर लोन देने की बात है, तो अगर नगर पालिका से नगरीय क्षेत्र में जो रहने वाले दिव्यांग हैं उनके लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग हैं उनके लिए जनपद के माध्यम से कर्ज देने की भी बात की जाएगी। इसके लिए भी आप सभी लोगों के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा ये लक्ष्य है या मैंने जो संकल्प लिया था, मेरा मानना है कि जो 80% या उससे ज्यादा दिव्यांग है उनको किसी के दरवाजे पर ये कहने जाना चाहिए कि मुझे कुछ चीज चाहिए। समाज की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, वो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वाभिमान की चिंता करें, उनकी जरूरतों की चिंता करें। ये कुल मात्र बनता है, बाकी इससे ज़्यादा मैं स्वांता सुखाई के लिए इस काम को मैं करता हूँ। बल्कि मैं इस बात का अफसोस करता हूँ कि एक साल पहले, क्योंकि बाकी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी इस पहल का ऐसा संज्ञान लिया
कि शायद सारे देश में 80% से ज्यादा विकलांगों को मोटेड ट्राईसाइकिल अपने आप सरकार देगी, ये लगभग फैसला उसका हो गया है। और इसलिए आज मोदी सरकार के 4 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरे लिए ये दिन आज महत्वपूर्ण है कि आज मोदी सरकार के आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं 26 मई के दिन। और इसलिए मैंने ट्वीट भी यही किया था कि ये मेरे लिए बहुत पुण्य का काम है, हम सबके लिए एक बड़ा काम है कि कम से कम हम बिना मांगे आवेदन लेकर कोई आए और दिया तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और इसलिए मैंने मीणा जी से कहा था कि सरकार के पास में सर्वे होगा कि जो 80% से ज़्यादा विकलांग हैं उनकी संख्या कितनी है, वो जिले में किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, वो सबके बावजूद भी हमारा संकल्प बड़ा साफ है कि हम बिना मांगे उन्हें कम से कम एक मोटर ट्राईसाइकिल तो दे सकते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे घर गृहस्थी वाला हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, आज कोई लंबे भाषण की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे पढ़े लिखे जो इसमें दिव्यांग हैं उन्होंने रोजगार की बात की है और वो बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे भैया ने कही है। मैं इस बात का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने इस बात को भी संसद में उठाया था कि कम से कम जो दिव्यांग हैं उनको गरीबी रेखा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई जाति का सवाल उनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो क्लास है वो क्लास बिल्कुल अलग होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है जो आज जयंत भैया ने कहा कि 1 महीने के भीतर अगर ये भी हुआ तो मैं निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार अभी व्यक्त करता हूँ। आप इस सब कार्यक्रम में आए, मेरा ये भी मानना था कि कोई हरी झंडी नहीं दिखाना, सीधे वो उसमें बैठे, हम उनका स्वागत करें और वो अपनी गाड़ी लें और अपने घर पर जाएं। मैं समझता हूँ यही मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। बाद में कुछ लोग आए तो मैं चाहूँगा कि वो मैं हम उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद हम आपके सुखद यात्रा की कामना करते हैं कि आप जीवन में जितना कुछ भी इससे आपका जीवन सहज हो सके यही हमारा संतोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। दिव्यांगों को मोटर ट्राईसाइकिल मिली, उन्होंने भारत सरकार सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का धन्यवाद देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। इसके पहले आपके किस प्रकार से मतलब अपना दैनिक जीवन क्रिया में अपनाते थे? वो पहले और अब ये आपको एक मोटर ट्राईसाइकिल प्राप्त हो गई है, आपका अब कार्य बहुत आसान हो जाएगा लगभग, कैसा लग रहा है? माननीय सांसद और माननीय प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए जो भी भगवान उनका कल्याण करे। क्या नाम आपका? राजेश कुमार कुर्मी। राजेश कुर्मी कहाँ से रहने वाले हैं? धर्मपुरा वार्ड 39। धर्मपुरा वार्ड के रहने वाले हैं आप। आपके इसके पहले जो अपना दैनिक जीवन का कार्य करते थे वो किस प्रकार करते थे? मोटर साइकिल थे, हाथ से चलाते थे उसको। अब आपको मोटरेट साइकिल प्राप्त हुई है भारत सरकार और सांसद जी की तरफ से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार और सांसद जी के लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हम अपने कार्य को और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। एक और अद्भुत क्षण, सांसद जी स्वयं चलकर आए और आपको माला पहनाई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैं आपका सहनाज जी, कहाँ रहती हूँ? नया बाजार नंबर 2 में रहती हैं। और आज आपको मोटरेट साइकिल प्राप्त हुई है, कैसा लग रहा है? भारत सरकार और सांसद जी के प्रयास से। धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आज कहीं आ जा सकते हैं। आज आपके पास स्वयं चलकर वह आए और उन्होंने आपको पुष्पहार भी पहनाया, सम्मान भी किया और एक सम्मान के साथ आपको मोटर साइकिल दी, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सरकार के लिए। दुराग सिंह। दुराग सिंह जी, दुराग सिंह भीलमपुर, भीलमपुर से आए। हाँ, इसके पहले आप अपने दैनिक जीवन में जब आप आना जाना करते थे तो किस प्रकार की आपको समस्या आती थी और क्या करते थे आप? बस रिक्शा में लिए थे, विशाखा से थे, अब इससे हम सफल हो जाए हाँ, बसों से आज जाते। मोटरसाइकिल आपको आज प्राप्त हुई है भारत सरकार और सांसद जी की तरफ से, आपको ये आज मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज जब मंत्री जी और सांसद जी आपके पास स्वयं चलकर आए, आपका स्वागत सम्मान किया और मोटरेट मोटरसाइकिल मिली, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? जय हो, जय हो।
जय हो। क्या नाम आपका? नन्नी भाई। नन्नी भाई जी कहाँ से रहने वाले हैं? भदोली से। आज आपको मोटरेट ट्राईसाइकिल प्राप्त हुई है, माननीय सांसद और भारत सरकार की ओर से ये आपको आज मोटरेट ट्राईसाइकिल मिली, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे। और जब आपका सम्मान हो रहा था, स्वयं सांसद जी मंत्री जी आपके पास आए और आपका स्वागत भी किया, आपको मोटरेट साइकिल भी दी। ये हमारी दो बिटिया शुभी खरे और शिखा उमैया दमो का गौरव। पर सांसद प्रहलाद चंद पटेल ने प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, परिवार हो, समाज हो या समाज के जनप्रतिनिधि, उन सबका ये नैतिक कर्तव्य है। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वर्ग के दिव्यांग, जो 80% से ज़्यादा दिव्यांगता जिसमें है, उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें मांग की ओर मिला तो मैं समझता हूँ हम सब उसके कटघरे में हैं। और इसलिए हम सबके, मैं ये मानता हूँ कि दमोह ज़िला ऐसा ज़िला हो साल भर के भीतर, डेढ़ साल के भीतर, जब 80% से ज़्यादा दिव्यांगता रखने वाला कोई भी महिला पुरुष यहाँ पर मोटरसाइकिल के बगैर नहीं है। तो हम एक ज़रूरत तो हम कम से कम पूरी कर दें, क्योंकि उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करते करते फिर हम नीचे आए, ये संकल्प मानता हूँ, लक्ष्य नहीं कहता, मैं से संकल्प कहता हूँ, तो वो पूरा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी का जरूर मैं आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है कि 80% से ज़्यादा विकलांग जो भी है उनको सरकार चिन्हित करके पहले कुछ सुविधाएँ सुनिश्चित कर दे, ये सरकार अपने स्तर तक सरकार ने उस कोटे को भी बढ़ाया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनके लिए तो सीमित क्षेत्र हैं, सीमित सर्विसेज हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल कर सकते हैं, या जहाँ पर महकमे ऐसे हैं जहाँ पर वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिशत बढ़ाया है ये महत्वपूर्ण है। अब उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड हैं, तो स्वाभाविक है कि यदि वो खुद का भी रोजगार करना चाहते हैं तो एक तो तरीका वो हो सकता है, पर सरकार ने कोटा बढ़ाया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के धन्यवाद दूंगा कि वो महीने भर में विकलांगों के, जो 80% से ज़्यादा विकलांग है, उनको किसी प्रकार की भी गरीबी रेखा के सर्टिफिकेट की जो अनिवार्यता है उससे वो मुक्त कर रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज मोदी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम सबकी संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का मानना है कि दिव्यांगों को कोई चीज मांगना नहीं चाहिए, अपितु समाज की और हमारी जवाबदारी है कि उन तक सुविधा हम पहुंचाएं। इसलिए हम संकल्पित है उन तक सुविधा पहुंचाने के लिए। यह थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।